रोहित के पास कॉल आई, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बताई, अब पक्की हो गई जीत। अब शाहीन रऊफ और बाबर हो जाएंगे फेल, रोहित कोहली बनाएंगे जेल, बन गया है प्लान। बीसीसीआई ने वो खिलाड़ी बुलाया जिसके नाम से पाकिस्तान घबराया, मचाया है तहलका। जी हाँ, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 2 तारीख को होना है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले हर किसी के जहन में एक सवाल है कि ये मैच कौन जीतेगा। दोनों टीमें इस मैच से पहले जोरदार तैयारी करने में लगी हुई हैं। इसी बीच एक खबर आई है कि कप्तान रोहित शर्मा को पाकिस्तान की एक बड़ी कमजोरी का पता चल गया है, जिसके बाद अब ना तो शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार काम आएगी, ना ही हारिस रऊफ कुछ कर पाएंगे, ना ही बाबर का बल्ला रन उगलेगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए जिस प्लान पर टीम इंडिया काम कर रही है उसके बाद जीत पक्की है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे खिलाड़ी को बुला लिया है जिसके आने की खबर से पाकिस्तान खौफ में है। एशिया कप में अब पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया किस रणनीति के साथ उतरेगी ये समझिए, फिर आपको पाकिस्तान की कमजोरी के बारे में बताते हैं। प्लान नंबर एक, पाकिस्तान के खिलाफ पिछली हार से सीख लेते हुए टीम इंडिया इस बार ओपनिंग में लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने पर विचार कर रही है। टीम इंडिया का मानना है कि शाहीन की धार को खत्म करने के लिए ओपनिंग में एक छोर पर उल्टे हाथ का बल्लेबाज होना जरूरी है। अब वो कौन सा खिलाड़ी होगा ये देखने वाली बात होगी। प्लान नंबर दो, बाबर और रिजवान की कमजोरी को देखते हुए इस बार बीसीसीआई गेंदबाजी में भी प्लान बदलने वाली है। दरअसल बाबर और रिजवान स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हैं, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ एक तेज गेंदबाज को कम करके एक को ज्यादा खिलाया जा सकता है। प्लान नंबर तीन, बीसीसीआई जानती है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ भारत की ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है, इसी मध्यक्रम को मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है। नंबर तीन पर कोहली के बाद नंबर चार पर अय्यर या फिर संजू को मौका दिया जा सकता है। नंबर पाँच पर हार्दिक और नंबर छह पर जडेजा बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच विश्व कप का एक आईना होगा। इस मैच में पता चल जाएगा कि टीम इंडिया विश्व कप के लिए कितनी तैयार है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी में टीम कितनी दमदार है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की टीम की कमजोरी भी अफगानिस्तान के खिलाफ बाहर आ गई। पहले मैच में पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी भरोसेमंद नहीं है। तो वहीं दूसरे मैच में अफगानी बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की पूरी गेंदबाजी को तबाह करके रख दिया और 30 ओवर तक पाकिस्तान की गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की टीम ना तो बल्लेबाजी में मजबूत नजर आ रही है, ना ही गेंदबाजी में। ऐसी कमजोरी को देखते हुए टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराने का प्लान बनाया है। नंबर एक प्लान के तहत साफ तौर पर निर्देश है कि पावर प्ले में शाहीन के खिलाफ कम से कम रिस्क लेकर खेलना है। अगर टीम ने इस मैच में पावर प्ले को बिना विकेट गंवाए निकाल दिया तो पाकिस्तान की टीम प्रेशर में आ जाएगी। नंबर दो, कप्तान रोहित शर्मा इस बार बाबर और रिजवान के खिलाफ पावर प्ले में किसी एक स्पिनर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा दो खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनका तोड़ पाकिस्तान को नहीं पता, उनके नाम है शुमन गिल और संजू। ये दोनों खिलाड़ी अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले हैं, ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ गेंदबाजी करना पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए मुश्किल होगा। तो आपका इस मैच को लेकर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में पाकिस्तान की टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी कमजोर है और आपके हिसाब से इस मैच को कौन जीतेगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं।